जाहिर तौर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उत्साहित है। रुक कर लेते हैं दिल्ली स्थित AICC दफ्तर का, जहां पर हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा मौजूद है, लाइव हमारे साथ जुड़ी है। सौम्या, AICC दफ्तर में किस प्रकार की हलचल देखने को मिल रही है, किस प्रकार का जश्न वहां पर देखने को मिल रहा है? जी आशीष, अभी जो है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और साफ तौर पे उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को क्लियर कर दिया कि फिलहाल अभी हम नहीं कह सकते कि हम विपक्ष में रहेंगे या फिर सत्ता में अगर पार्टी हमारी आती है तो फिर, और अगर गठबंधन इंडिया गठबंधन बहुमत में रहता है तो, ये सारा फैसला जो है वो कल की मीटिंग के बाद ही वो इस पर कोई भी जवाब दे पाएंगे। इस वक्त उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है और जिस तरह से राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हुए अपने घर की ओर जाने के लिए यहाँ से निकलते हैं तो साफ तौर पे जो है जिस तरह से यहाँ पे लोगों का जो एक लोग जिस तरह से उमड़ पड़ते हैं उनके पास और जिस तरह से बॉडीगार्ड्स को उनको हटाना पड़ रहा था, साफ तौर पे जो है वो दिखा रहा था किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं में उन्हें लेकर जोश है। सारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने, वो उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए देखते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखते हैं, मगर अब कल की मीटिंग बैठक के बाद ही ये फैसला होगा कि आखिर क्या होगा इसे आगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम आवाजें सुन पा रहे हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज AICC दफ्तर से सुनाई दे रही है, तो क्या जश्न मनाया जा रहा है इस बात का कि जो प्रदर्शन है वो बेहतर हुआ? हालांकि 295 की बात राहुल गांधी ने कही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी, लेकिन 295 एनडी गठबंधन नहीं पहुंचा, जबकि एनडीए 295 पर स्टैंड कर रहा है, लेकिन फिर भी जश्न के नगाड़े बज रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी हाँ, साफ तौर पे जिस तरीके से यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जिस तरह से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आपको बता दूं कि ये सुबह से ही जो है 2 बजे के बाद से ही ये शुरू हो गया था, 2 बजे के बाद से ही लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि जो 400 पार की बात कही जा रही थी शायद वो पार नहीं होने का ये जश्न है। ये जश्न इसलिए है क्योंकि अपने प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया इंडिया अलायंस ने, इसके साथ ही ये प्रदर्शन इसलिए भी आप कह सकते हैं, ये खुशी इसलिए भी जाहिर हो रही है क्योंकि अब जो है वो उम्मीद इस बात की है कि अगर दूसरी पार्टियों के साथ जिस तरीके से बातचीत हो रही है, वार्ता के बाद क्या फैसला होता है, क्या कोई अन्य पार्टी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेगा और इसके साथ ही एनडीए से बिछड़ाव होगा, इस सब के बाद क्या जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी और अगर बनती है तो ये उस बात का जो है वो जश्न अभी से मनाया जा रहा है। सौम्या, मिठाई बांटने की बात की जा रही थी, आतिशबाजी करने की बात की जा रही थी, क्या AICC दफ्तर में आतिशबाजी की गई है, मिठाई बांटी गई है? नहीं आशीष, अभी तक मैं अगर आपको बता दूं तो साफ तौर पे जो है वो अभी तक ना ही मिठाइयां बटी है ना ही आतिशबाजी की गई है, क्योंकि जब हमने सुबह बातचीत की राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी से तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि हम बड़ी शालीनता से अपनी खुशी को जाहिर करेंगे, आतिशबाजी तो ना सही लेकिन मिठाई की तो उम्मीद थी लोगों को जो लोग यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, मगर अभी फिलहाल ढोल नगाड़ों और नाच गाने के साथ ही जो है वो खुशी दिखाई जा रही है, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कार्यकर्ता, वो हरियाणा के हो, पंजाब के हो, अन्य सभी जगहों से जो ये कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं, साफ तौर पे ये उनकी खुशी जाहिर कर रही है। बिल्कुल सौम्या, अगर मान लीजिए काउंटिंग अभी जारी है, काउंटिंग में कुछ संभावनाएं बनती है, संभावनाओं को तलाशने के लिए एनडीए गठबंधन की ओर से गठजोड़ की जो कोशिशें हैं कौन करेगा, कांग्रेस की ओर से क्या मीटिंगों का दौर चलेगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा, आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या तैयारी है कांग्रेस की, क्या अगर जरा सी भी संभावनाएं निकल करके आती है सत्ता पर काबिज होने के लिए, तो ऐसे में क्या तैयारी, क्या रणनीति कांग्रेस की, कौन कौन से नेता होंगे जो इस काम में जुट गए हैं, जिनको लगा दिया गया है? जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे में बातचीत कर रहे हैं, वहीं एक तरफ जहां बीजेपी के लीडर्स बातचीत कर रहे हैं वो चंद्रबाबू नायडू के साथ हो, या फिर दूसरी तरफ कहा जा रहा है
है कि अब नीतीश कुमार पलटू चाचा जो है वो एक बार फिर से पलट सकते हैं। जिस तरह से ये सारी बातें उठकर आ रही है, जिस तरह से बिहार की सीटों पर जो है वो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को वो सीटें मिल सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार पलट सकते हैं, ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो बातचीत है वो की जा रही है, ये सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर आ रही है कि जो इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं उनके साथ नीतीश कुमार की बातचीत हो रही है, वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं और इन सभी को लेकर के लगातार जो है ये उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन सरकार भी बना सकती है। हालांकि फिलहाल अभी की अगर हम बात करें, अभी क्योंकि काउंटिंग पूरी भी नहीं हुई है और दूसरी तरफ अभी एनडीए बढ़त में है, तो ऐसे में अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो साफ तौर पे इंडिया गठबंधन के लीडर्स इस बात पर किसी भी तरह का कोई जवाब देने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने भी प्रेस वार्ता में इस सवाल से बचने का प्रयास किया और साफ तौर पे वो हर सवाल के जवाब पे ये कहते नजर आए कि अगर कोई भी फैसला होगा तो वो हम कल आपको बैठक के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि जो और भी मेंबर्स हैं इंडिया गठबंधन के उनके साथ पहले हम चर्चा करेंगे और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सभी हैं। तो जो फैसला एक मत का फैसला होगा उसी फैसले को बताया जाएगा, माना जाएगा। बिल्कुल सौम्या, लेकिन आसान टास्क नहीं है एनडीए गठबंधन में सेंधबाजी करना, वहां से तोड़फोड़ करके गठजोड़ करना और सरकार बनाना, क्योंकि केवल अकेले नीतीश को शामिल कर लेने से इंडिया गठबंधन के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। नायडू को साथ लेना होगा, नीतीश नायडू को, दोनों को एक साथ साथ में लेना, ममता को बैलेंस करना, ये सारी चीजें करनी होगी, तब जाकर के कोई संभावना बन सकती है। तो ये कोई टास्क आसान नहीं है। इस टास्क में कल ब्रीफ कर देंगे, बता देंगे, वो अलग बात है, लेकिन आज की रात पूरी एक्सरसाइज की जाएगी। इस एक्सरसाइज के लिए जो नेता है AICC दफ्तर में या खड़गे के आवास पर, कहां हाई लेवल की मीटिंग होगी, कहां पर इस पर मंथन किया जाएगा, क्या संभावनाएं बन सकती है देश की आगे की राजनीति को लेकर? फिलहाल आशीष ये कहा जा रहा है कि अभी जो है ये लीडर्स एक दूसरे के साथ पहले चर्चा करेंगे, AICC में भी बैठक होनी है और AICC में जो कांग्रेस के लीडर्स है वो पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल के अभी फिलहाल कहाँ पे बातचीत होनी है इस बात का कोई जो है वो कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। मगर आज रात जो है वो फैसले की रात है और आप कह सकते हैं कि वो एक बहुत पुराना एक गाना है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली स्थिति है फिलहाल की। अभी जो है आज की रात बीजेपी के लिए भी भारी होगी और कांग्रेस के लिए भी होगी, क्योंकि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू के साथ हो, नीतीश कुमार के साथ हो, दोनों की ही बातचीत चल रही है, जहां एक तरफ इन दोनों के साथ बातचीत करके एनडीए में सेंध मारने का प्रयास इंडिया गठबंधन कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर साफ तौर पर एनडीए चाह रहा है कि कहीं से भी उनके जो लोग हैं वो छटक न जाए और इसके साथ ही वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है उनकी ही सरकार आए। और फिलहाल जिस तरह से वो बहुमत में है ये उनके लिए आसान है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है भाजपा के लिए इस बार चुनाव में घाटे का सौदा ये रहा कि अमेठी से वो हार गए। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, जिस तरह से लगातार स्मृति ईरानी दावे ठोक रही थी कि मेरे अभी डिबेट करवा दो और जिस तरह से वो कह रही थी एक पीए को लड़वा दिया गया, तो अब साफ तौर पे जो है राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि पीए कहना ये एक गलत शब्द है उनके लिए और अब उसी पीए ने जिसे पीए बीजेपी कह रही थी उसी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ऐसे कई अहम सीटें थी जहाँ पर लग रहा था कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। जीत तो हासिल हुई लेकिन उस बेहतरीन प्रदर्शन का जो एक की जो एक छवि थी वो शायद देखने को नहीं मिली इस बार। बिल्कुल, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं जो लोग, जिनमें हमने अब से कुछ देर पहले देखा था जोश था, जुनून था, उत्साहित थे, लेकिन अब अलग अलग दड़ों में बटे नजर आ रहे हैं, रणनीति पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे का दृश्य हम चाहेंगे दर्शकों को आप दिखाएं, AICC दफ्तर में जो लोग आए हैं वो लोग एक दूसरे से बातों में मशगूल हैं, राय शुमारी कर रहे हैं, क्या कुछ संभावनाएं बन सकती है, क्या इंडी गठबंधन सत्ता में आ सकता है, ऐसी बातें शायद वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आदिवासी महिला के साथ खड़ा था और वो जीता है।
जी हाँ, साफ तौर पे जो है वो यहाँ पे यूं आया है या फिर अन्य जितने भी लोग हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरह से जो है यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं और वो सभी यहाँ पर जो है वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर किसकी जो है सरकार आएगी और क्या इंडिया गठबंधन आ पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं फिलहाल इस कार्यालय में मुख्यालय में उपस्थित जितने भी लोग हैं वो सभी इसी उम्मीद से है कि किसी भी तरीके से जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार आए। क्या नाम है? मेरा नाम दिव्य ज्योति है। कहाँ से? मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से हूँ। हाँ, क्या उम्मीद लगता है आपको, किस उम्मीद के साथ आज यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में खड़े हैं? देखिए, हमने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। 2009 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस 100 छूने के कदार पे है, 101 छूने के कदार पे है, तो हमें तो पूर्णतः विश्वास है कि हम सरकार बना देंगे। कारण बीजेपी का जो गुंडई चलती थी, खुद के बलबूते पे आ जाता था 280, बाकी लोगों को हकड़ के वो तो चलाते थे देश, अब वो नहीं चला पाएंगे, अब सीधा हमारे साथ देश आएगा और आगे बढ़ेगा। अभी भी बहुमत में बीजेपी है? बहुमत में नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 240 वोट के साथ। 272 नहीं है, हो सकता है साथी छोड़ के चले जाए जिनको डराया है। एनडीए की तो सरकार आएगी ना? एनडीए और इंडिया, अब इंडिया की तरफ ज्यादा जाएगा, एनडीए मुझे लग रहा है एक लफ्ज ही बन के रह जाएगा। एनडीए टूटते टूटते बीजेपी बन जाएगी, एनडीए टूटते टूटते बीजेपी बनेगी, जरूर बनेगी। लगता है बिहार की राजनीति में एक शख्स जो बिहार को हिला रहता है, नीतीश कुमार, क्या वो फिर से पलट जाएंगे? जरूर पलट सकते हैं। देखिए, सच्चाई की बात यह है कि नीतीश कुमार अपने साथ एक बहुत मजबूत वोट बैंक साथ लेके आते हैं। कौन सा वोट बैंक? वो वोट बैंक है नॉन डोमिनेंट ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी, उसके साथ दलित, और दलित करके खास कर महादलित और कुर्मी, उनके मुखिया कुर्मी है। तो इस प्रकार एक पूरा वोट बैंक बनता है जो नीतीश कुमार के हर जगह आगे आगे बढ़ता जाता है। तो आज नीतीश कुमार हो सकता है कि इंडिया के साथ भी आ जाए, संविधान के साथ भी आ जाए, वो उनके मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर वो जेपी का बुलावा सुन ले तो आ जाए कांग्रेस में। अच्छा, जरूर। साफ तौर पे जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो युवा है उनके अंदर भी राजनीति को लेकर के जो है वो काफी ज्यादा एक दिलचस्पी रहती है, बड़ी ही गहराई से वो भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश। हाँ, आकाश, किस तरह से देखते हैं अभी जो जिस तरह से बहुमत में एनडीए है फिलहाल और इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है इंडिया गठबंधन, क्या लगता है कि सरकार किसकी आएगी? जी बिल्कुल, गठबंधन की सरकार जो है वो बिल्कुल लड़ाई कर रही है और पूरे देश ने देखा है कि वो लड़ रही है सरकार। एनडीए बेशक इस वक्त बहुमत में है मगर ये बहुमत सिद्ध नहीं हो पाई है। अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जदयू के श्री नीतीश कुमार जी आ सकते हैं, जा सकते हैं, खैर ये दूसरी बातें हैं। परंतु जिस प्रकार से इस देश को जकड़ने की कोशिश की गई थी गुलामी की बेड़ियों में, उस बेड़ियों को तोड़कर इस देश की जनता ने जवाब दिया है, इस देश की जनता ने अहंकार को त्याग दिया है, ये बताया है देश की जनता ने कि आप हमें भोला समझ, आप हमें बेवकूफ़ ना समझिए, हम भोले हैं मगर हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम आपके हर एक सवाल का जवाब आपको अपने मतों के अधिकार से देंगे। साफ तौर पे आपने सुना आशीष, किस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि हम भोले हैं लेकिन हम अपने मतों का जवाब जो है वो हम अपने वोट का जवाब जो है वो साफ तौर पे जो है किस तरह से ये अपने लिए एक उचित सरकार चुनने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि साफ तौर पे जो है वो हम अपना जो एक मत है, अपना वोट है, वो एक सही इंसान को दे रहे हैं और एक सही नेता चुनना सबसे अहम चीज़ होती है जो फिलहाल जिस पर सबकी नज़र है, उस हर शख्स की नज़र है फिलहाल कि क्या उनके जो लीडर हैं ये वही लीडर है जिनको उन्होंने चुना है और वो एनडीए को वोट देने वाले वोटर्स हो या फिर इंडिया को वोट देने वाले वोटर्स हो, हर कोई एक उम्मीद के साथ वोट देता है और अब उस उम्मीद पे खड़ा कौन सा नेता कितना उतरेगा ये तो परिणाम और प्रधानमंत्री चुनाने के बाद ही समझ आएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से लाइव हमारे संवाददाता सौम्या मिश्रा।